साइड कर दी तू भी जाते हैं सबको सब सबके सब ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। सो नाश्ता आ चुका है और दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो यार अभी कहा था तो अचार सिर्फ इतना ही आया और अभी शॉप पे भेज दिया उसको भाई को लेने हुए अचार हमने, और ये है जी चीनी वाले पराठे और इसके साथ हम खाएंगे अचार लगा के और साथ में चाय। नहीं प्रिंस ने जो कह दिया उसके बाद हमें मिला है जी स्नोबर बिस्किट। यार अभी रेडी हो गए हैं और जस्ट पैकिंग कर रहे हैं, सारे के सारे बैठे हुए अपने नी गार्ड शी गार्ड हर चीज़ पहन रहे हैं और मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग तो मैं बाहर रखाया हूँ और अभी बस हेलमेट को साफ करना है। यार हेलमेट की सफाई रहती है जो कि लाजमी है। अभी बाहर आ गए हुए हैं और सारी बाइक का सामान जो है वो पैक तो कर लिया हुआ है और ये है जी सीनरी जो कि मैं रात को आपको बता रहा था। तो दिस इज आवर सेकेंड डे हेयर और ये नीचे दरिया चल रहा है सारा और ऊपर माउंटेन्स हैं, ऊपर क्लाउड्स हैं और अभी हमने आई थिंक सो यहाँ से जाके यहाँ से यही रूट हमने सीधा निकलना है शारदा की तरफ और शारदा जाएंगे और शारदा जाके हमने आगे शारदा रुकेंगे नहीं, शारदा सिर्फ कोई 10 किलोमीटर है यहाँ से, शारदा से आगे होते हुए डायरेक्ट हम आगे निकल जाएंगे और अरन केयर से ऊपर जाएंगे ताऊगढ़। बस रेडी हो गए हैं और निकलने लगे हैं और ये है कुछ बाइक आज का और आज ग्लव्स ये पहनेंगे क्योंकि कल वाइट पहने थे और कल सारे जो थे वाइट ग्लव्स गंदे हो गए थे सारे, पर सुकून उसी के अंदर मिलता है लिटरली। ये ग्लव चाहे जितना इन्होंने मर्जी प्रो बाइक का लिखा हुआ लेकिन मज़ा उतना नहीं देता ही ना, इससे मोबाइल चलता है, मोबाइल का टच भी बहुत हार्ड हो जाता है इसके साथ, चलता नहीं है ठीक से। और ये भी एक फैमिली है, ये भी मुल्तान से आए हुए थे और ये भी हमारे साथ, ये भी निकलने लगे हैं लेकिन ये वापस जा रहे हैं केयर से हो आए हैं और हम टुवर्ड्स केएलआई मूव करने लगे हैं। वो मौसम उधर बहुत प्यारा हुआ हुआ है। तो ये हैं जो ट्रक्स जो कि नीचे से ऊपर को आ रहे हैं और हिम्मत है यार इन ड्राइवर्स की भी जो कि इतनी सख्त मुश्किल जो होती हैं इंक्लाइन और डिक्लाइन वो ऐसा पीछे से वो कैसे नीचे झुक रहा है वो लग रहा है था नीचे था। और ये इस तरह ले जा रहे हैं और अभी जो कल केबल का जो जुगाड़ सिस्टम हमने करवाया था ये देखें बिल्कुल ओपन फिर रही है सारी की सारी इधर। तो अभी हमें एक बंदे ने कहा तो है कि जो है मिल जाएगी, अभी ऊपर से वही ठीक करवाएंगे जैसे ही मिलती है लगवा के देन आगे ताऊबट की तरफ मूव करें क्योंकि आगे जो है ऐसा शॉप्स कोई नहीं आनी है तो दैट्स व्हाई इधर से ही काम करवा के उसका फिर ही आगे निकलेंगे। कोई मिले इनके पास ओरिजिनल हीस की मिल गई थी केबल क्योंकि इसके अंदर डिलक्स फ्रंट है वाली डल जाती है तो भी वही चेंज करके तो वही लगाने लगे हैं क्योंकि इनके पास मुकम्मल केबल है तो मुकम्मल केबल ही हम लोग चेंज करवाएंगे क्योंकि लास्ट कल तो उसने सिर्फ वायर डाल दी थी इसके अंदर और अभी हम मुकम्मल केबल ही न्यू जो है वो इसके अंदर डलवाने लगे। ये है जो ओल्ड वायर अभी अंदर से न्यू लेने गए हैं इसके अंदर बाद में क्लच के अंदर डलवाएँगे। यार ये इस तरह काम तो फिर जब टूर पर आए तो होते ही रहते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा भी एडवेंचर टूर होता है तो ये काम तो चलते ही साथ साथ। वो भाई लेके आ रहे हैं न्यू वायर निकाली है अब देखें अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ठाक चले। सब्सक्राइब कर दी तू भी जाते हो सबको सब सबको सब ठीक है। बड़ी अच्छी बात कही यार, अभी बाइक का काम भी करवा लिया हुआ है और अभी बस निकलने लगे हैं इधर से और ये है जहाँ से हम यानी कि बाइक लाए थे ऊपर और अभी इधर से टर्न करके बाइक तो हम लेके जाएंगे जी सीधा अब ताऊबट इंशाल्लाह स्टे होगा और रास्ते में जाते हुए शायद शाउंटर विलेज के नाम से एक है वहाँ स्टे करेंगे और वहाँ आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये है जी शाहजहान भाई ये इधर मैकेनिक है इनकी शॉप है तो हाँ जी मुजम्मल आटो ये किस जगह है मंड करो मैं यार काफ़ी टैलेंटेड हैं और हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह पता है। इस बाइक का हमें पीछे से हम तकरीबन हर जगह पूछ के आ रहे थे लेकिन कहीं से हमें सामान नहीं मिला इस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक का भी इनके पास था सामान और इन्होंने अच्छे से फिक्स इसको कर दिया हुआ है और मसला काफ़ी अच्छा था, रेट शेट भी सही है इनके। यार जब भी आप इधर आएँ और अगर इनके सलाह ना करें कोई मसला हो तो आपने इनके पास आ जाना है, ये बहुत अच्छे बंदे हैं।
आपको दिखाने का मकसद ये है, ये कैंप टूक्स हम आपको शो करवाएंगे। इन रूट्स को बेसिकली दिखाने का मकसद ये होता है कि जब भी आप इन्हें इधर आना है तो ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि कहाँ से रास्ता कहाँ तक ख़राब होता है। लाइक यू कैन सी, अब ये जो रोड्स है इधर बाइक्स तो तेज़ी से चल जाते हैं और जितनी भी कार्स हैं वो नीचे लगती हैं और उनका अगर चैम्बर का नुकसान हो जाए तो चैम्बर उनका उधर लीकेज हो जाए या कुछ भी डैमेज हो जाए। तो इधर वर्कशॉप्स भी इतनी नहीं है ऐसा जितनी के होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट इधर काफ़ी आते हैं। अभी जीप्स वगैरह का तो काफ़ी इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है, बट फिर भी इन रोड्स के ऊपर आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख कर आनी है कि जब भी आप इधर आएँ हर चीज़ अपने साथ लेकर आएँ। केल से मैं बताता रहूँ कि अभी मिड ऑफ 2022 है और जुलाई का मंथ चल रहा है और अभी हम इधर हैं। रोड सारा केल से आगे, मैंने पहले भी सुन रखा था कि सारे का सारा टूटा हुआ है, यानी कि कच्चा रोड है। और अभी भी ये देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इधर जीप ही ट्रैवल करती हैं ज़्यादा, यहाँ बाइक्स वाले होते हैं, गाड़ियाँ इधर आती हैं बट केल तक जाके वो स्टे कर जाती हैं। आगे ताबट अगर आपने जाना हो तो आपको जीप ही करवानी पड़ती है। अपनी अगर कोई 4x4 आपके पास गाड़ी है तो आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास 2-व्हील है तो आप रिस्क ना लें, क्योंकि आगे चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ जितनी भी हैं वो ज़रा ख़तरनाक हैं। सो इसलिए आप रिस्क ना लें। अभी यार ये ब्रिज आ चुका है और बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म के इधर ब्रिजेस होते हैं, क्योंकि जब भी इधर ट्रैवल हम करते हैं तो ये जो सीनरी होती है ना ब्रिज के पास पास वो देखने वाली होती है। अभी ये पीछे से आ रहा हूँ जी मैं, और अभी ये भी आपको कैंप टू की वीडियो हम शो करवा रहे हैं। बहुत मज़े का मौसम हुआ हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश नहीं हो रही और हम ट्रैवल करते ही जा रहे हैं। अभी आ गया है जी बेनज़ीर के नाम से एक होटल है, रेस्टोरेंट है, आप इधर स्टे भी कर सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन इधर हम मे भी वापसी पे स्टे करेंगे और मौसम मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं। लाइक यू कैन सी द क्लाउड्स, बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म के होते जा रहे हैं। और अभी ये वो मैं आगे जा रहा हूँ जो ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी रोड मज़ीद तंग होता जा रहा है जिस जिस तरह हम आगे मूव कर रहे हैं, रोड जो है वो तंग होता जा रहा है और ख़राब मज़ीद होता जा रहा है। बट यार ये लास्ट टाइम जब करम्बर किया था ये रोड, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तक मुझे एक भी ऐसी चढ़ाई या उतराई नहीं मिली लाइक जैसी हमने करम्बर के अंदर फेस की थी। सो इसलिए मेरे लिए तो ये रोड जो है काफ़ी मज़े वाला ही है और सुकून से हम चलते जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक क्लच की वायर टूटी थी और उसके साथ ही हम तकरीबन 15-16 किलोमीटर हमने बगैर क्लच के मूव किया था। और अभी भी बस क्लच की वायर तो अब डल गई है, तो अभी इसीलिए मूव करते ही जा रहे हैं बस। कश्मीर में आपने जब भी आना है तो आपने ये चीज़ माइंड के अंदर रख के आनी कि इन केस अगर बारिश हो जाए या मौसम ख़राब हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, तो रोड कंडीशन जो हैं इधर बहुत वर्स हो जाती हैं। लाइक इधर पथरीले पहाड़ हैं और वो लैंडस्लाइडिंग का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। अभी जब हम मूव कर रहे हैं सो आप देख सकते हो यार ये रिक्शे वाला भी इधर पहुंचा हुआ है हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहा है। ये भी, इसकी भी हिम्मत है यार कि इस टाइम ये इन एरियाज़ के अंदर मूव कर रहा है। अभी जब हम आए थे तो पंजाब भर में बारिशें हो रही थी, बट फॉर्चुनेटली हमारी किस्मत अच्छी है कि इधर हम पहुँचे हैं तो बारिश का नामो निशान भी नहीं है। अभी ये हमारा सेकेंड डे स्टार्ट है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बारिश जो है वो नहीं मिली, तो हम इसी चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं। बाकी जब भी आप दरिया वाली साइड पर ट्रैवल करें तो आपने बहुत सोच समझ के और ध्यान से ड्राइव करनी है। यार अभी रास्ते में रुके थे, स्टे कर रहे थे और जो सीनरी है वो कुछ ये है, रोड कंडीशन आपके सामने ही है, सारा आगे गंदा ही है, रोड ऑफ रोड है सारा। ये पहाड़ नजर आया रास्ते में और वो हम लोगों ने वो उधर जाना है, सामने चेक पोस्ट एक आ गई हुई है। OMG, जस्ट लुक एट दिस व्यू, और बहुत ही यार कमाल का व्यू है। ऊपर देखें ये राइट साइड है दिखाई सारी, और ये सारा ट्रैक है, ट्रैक यार है बहुत ही गंदा, आगे से हो गया है। और ये चट्टाने देखें इस साइड पे कैसी हैं, लुक एट द माउंटेन्स, और दरख्त भी इधर बहुत बहुत बड़े हैं और वो बादल उधर है जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है एज यू कैन सी। लेकिन फिर भी यार कैमरे की आंख वो चीज़ कैप्चर नहीं करती जो हम आम एक इंसानी आंख से देखते हैं, वो चीज़ कैप्चर नहीं करती। अब ये रोड देखें,
ये देखने में बस लग रहा है, बट इसके ऊपर जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको लग पता जाता है। अभी यार एक इधर पहुंचे हैं तो एक ये जो मज़दा वगैरह है इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, वो सुना ये है कि जी पीछे को करके वो अनलोड कर रहा था चीज़ों को और वो बेचारा खाई में गिर गया, और जो बंदा है इसको हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया हुआ है और वो पास ही एक हॉस्पिटल उधर है। अभी बनकेल पहुँच गए हैं हम और इधर से आगे जा रहे हैं जनाब शाउंटर विलेज है एक, उधर जा रहे हैं। उधर जाके हम देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और पहले हमने कभी इधर ट्रैवल नहीं किया हुआ। गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी बस स्नैक्स वगैरह लेने के लिए रुके हैं क्योंकि आगे से कोई चीज़ नहीं मिलनी। बाइक के टैंक्स हैं उसमें पेट्रोल तकरीबन है अभी, तो अभी इधर से वैसे ही चलेंगे। और ये रोड उससे भी गंदा है यार। अच्छा, जो पहले वाला था रोड वो फिर भी ठीक था, ये उससे भी गंदा रोड है। ये हमने बुलाया हुआ है, ये बुला 260 रुपए अभी चीजें वगैरह ले रहे हैं और ऊपर भी शॉप वगैरह हैं काफी, बट फिर भी हमने कहा क्यों ना नीचे से ही कुछ ना कुछ ले लीजिए, तो भूख भी थोड़ी लग रही है। और टाइम जो है टाइम तकरीबन 1:20 हो गए हैं और अभी बस यहाँ से लेके तो निकलेंगे आगे। ये है जी केल का बाजार, और जो पीछे हमने आपको दिखाया था मज़दा वगैरह भी नीचे गिर गया था, वो इस हॉस्पिटल में यानी कि बंदा इधर एडमिट किया उन्होंने। और ये है जी इनकी जो एम्बुलेंस है वो, और ये है सारा केल बाजार। अब हम आगे उधर मूव करने लगे यार। अभी इधर हम पहुंचे हुए हैं और समुंदर का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया है, और ये है जी फटा दिया गया है किसी ने, और ये रूट है सारा। अभी वो उधर से चेक पोस्ट से हम होके तो हम सीधा जा रहे हैं आगे, और ये है रास्ता जी ताऊबट का। इधर से जो रूट है वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, पहले मैं इधर आया नहीं हुआ कभी, मैंने ट्रैवल नहीं किया हुआ कश्मीर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं स्किप करके जाऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा इंशाल्लाह उनको मैं तब विज़िट करूँगा और तब उनको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे तरीके से, उनको एक्सप्लोर करेंगे। रोड कंडीशन इधर काफ़ी वर्स हो चुकी है अभी इस टाइम तो, बट फिर भी ये बहुत अच्छा रोड है, क्योंकि ऑफ रोडिंग अगर आपने करनी है तो यार ऐसी जगह तो आपको लाजमन मिलेंगी, जिधर भी आप जाएंगे आपको ऐसी चीज़ें लाजमी मिलेंगी। अभी इधर से थोड़ा सा ही आगे ट्रैक हमने सुना है कि इस तरह का है, आगे जाके ताऊबट आ जाता है, ताऊबट के बाद ताऊबट बाला है, उसके आगे अगर हम उसकी ऑपोजिट साइड पर बात करें यानी कि पैदल ट्रैक है, उधर से आगे स्टार्ट हो जाता है जी स्कर्दू स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग तो इधर ही जा रहे हैं और रास्ते के अंदर थोड़ा स्टे भी करते जा रहे हैं, रुक रुक के जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ऐसा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो हमारे दोस्त पहले आए हुए थे हमने उनसे सुन रखा है कि हम तकरीबन यानी कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम एज़ पर आवर टाइम हम जो हमने सोचा हुआ है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और ये है जी कुछ व्यू, और ट्रैक देख सकते हैं आपके बहुत ही गंदा ट्रैक है, बट ये क्रम्बर के मुकाबले में कुछ ही नहीं। स्टे कर रहे थे और जो व्यू है वो तो समझ लें कि देखने का लायक है। लेट मी शो यू, लाइक ये इतनी सी जगह तो ऐसे लग रही है जैसे कोई सीनरी होती है। लेट मी कैप्चर दिस आल्सो, ये नीचे दरिया है और ये पीछे का जो रूट है कुछ इस टाइप का है। और ये हैं जी घर हैं कुछ जो के मुकामी लोगों के इधर घर हैं। इस जगह पे उठेंगे ना, आई शो यू दैट यू विल एंजॉय। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सीनरी है यहाँ पे। अभी ये दरख्त सामने आ रहे हैं, लाइक जिस तरह के ये घर हैं उस टाइप के घर हैं, और बिल्कुल ये जो नीचे है ये दरिया चल रहा है। अभी यार ये कोई सेंटर सा पॉइंट है जिधर रुके हुए हम, और इधर रुक के तो थोड़ा सा फूड वगैरह ले रहे हैं। तो ये सीनरी है कुछ इधर की भी,
मैंने कहा आपको साथ साथ यार सीनरी दिखाता रहूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं उन्होंने ये नहीं देखा हुआ, इसलिए मैंने कहा आपको सीनरी वगैरह दिखाता रहूँ साथ साथ। फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी फ्रेश हैं इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी यार मुँह तो है और कुछ जो है ठंडक महसूस हो रही है। ये 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 जो बंदा शुक्र है यार तूने ये और लगा ली है, वरना ऐसा लगता है जैसे धुंध जो बकरा नहीं गुआचे किचन वाले पानी से मुँह धोया है हमने और फुल मजे का। यार वो चेक करें नीचे क्या जबरदस्त है, नहाने को दिल कर रहा है इधर जाके इसके अंदर, लेकिन इधर जा नहीं सकते और अभी बस फ्रूट खाने लगे हैं और कुछ सुकून होगा। यार नोज़ आप देख रहे हो, नोज़ के ऊपर क्योंकि मास्क सिर्फ यहाँ पे नहीं है और ये काला होना शुरू हो गया है और मेरे बाजू जो हैं वो भी हल्के हल्के काले होने शुरू हो गए हैं। फुल बाजू शर्ट पहनी है, एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। और अभी जस्ट हम खाएँगे फ्रूट, अभी ये ग्रेप भी हैं और ग्रेप की जगह एक ग्रेप ही है मुँह में लो, लेकिन ये है कि हैं मीठे हैं, मर्जी फुल मीठे हैं, फुल मीठे हैं, नहीं खाने थोड़ी खा लो खा लो। क्यूटनेस अंजीर का बाग कहाँ है, कोई है तो रख लो अंजीर के। अभी ये है शॉप वाले जो के बच्चा था इस शॉप में और इसके बाबा कहीं काम करते हैं और ये बेचारा इधर काम करता है और कह रहा था कि बाइक के ऊपर बैठना है, तो अभी बाइक के ऊपर बिठा के इसकी पिक्चर्स ली हैं और काफ़ी खुश है। खुश हो अब? खुश हो, चलो इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें भी देगा ऐसी बाइक। हाँ इंशाल्लाह। अभी अभी इधर रुके हुए इधर स्टे कर रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है और बाकी के जो साथी हैं वो पीछे हैं, हम जरा आगे थे तो मैंने सोचा क्यों ना रुक के आपको व्यू दिखा दी जाए। अभी ये सारा ट्रैक है तौबट के लिए और कुछ ही देर में हम इंशाल्लाह तौबट होंगे। और रास्ते में यार एक पॉइंट आना था लेकिन आई थिंक वो आ गई है अभी, क्योंकि अभी तक वो आया तो नहीं है। जैसे ही आता है आपको वो भी दिखाते हैं। क्लाउड्स देखें जिस तरह के मूव कर रहे होते हैं ना, इसमें चाहे नज़र आए ना आए लेकिन लाइक इस तरह है कि जैसे आगे को मूव कर रहे हैं वो। और ये ट्रीज देखें, अभी हम वो इस साइड से आ रहे हैं और ये रूट सारा करते हुए वो वहाँ तक हमने आगे जाना है। सो अभी ये है व्यू जहाँ से के सरदारी पॉइंट शायद कहते हैं और ये है जहाँ से सारा कश्मीर यानी कि नज़र आता है। मतलब ये है तो नीचे है बट ये दरिया ऊपर से पहाड़ और घर सब के और ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और थ्रू आउट दी इस रास्ते से होते हुए हम लोगों ने आगे जाना है तौबट, और वो भी सिर्फ तो यहाँ से आधे एक घंटे का रह गया होगा। जी ये हमारे हनान भाई हैं, बच्चों को 10-10 रुपए दे के कहता है जी मुझे सारे सुपरमैन कहो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यार अभी चलते चलते ये कुछ चेहरे नजर आए हमें। यार अभी कुछ बच्चे मिले हैं और इनके भी सुन लें ये आपको क्या कहते हैं। सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। क्यों भाई क्या करना है? सब्सक्राइब कर, हाँ सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे फॉलो जरूर आपने करना है। अभी देख रहा था कि वो भाई काफी मेहनत वाला काम कर रहे हैं नीचे खड़े दरिया के किनारे के पास, और यार बहुत मेहनत वाले काम है जो इधर के लोग करते हैं खास तौर पर। उधर के भी करते हैं बट जो इधर वाले हैं वो जाहिर बात है यार कोई फैसिलिटी भी इतनी नहीं है इनके पास, चीज ना होने के बावजूद इतना अच्छा काम करते हैं। हमको सिखा रही है यार ये जो जगह है इसका नाम है जी, अभी बच्चों ने बताया कि APS सरदारी है इसका नाम मुकम्मल। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा ही सफ़र रह चुका है, ये आप कैम्प 2 की वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा ही सफ़र रह चुका है और अभी हम राइडिंग कर रहे हैं, घोड़े आई जा रहे हैं, उनके मवेशी वगैरह आई जा रहे हैं रास्ते के अंदर, लोकल्स भी इधर काफ़ी हैं। अभी हमने APS सरदारी क्रॉस की है और पीछे यार हमारा प्रोटोकॉल भी साथ आ रहा है, जैसा कि आप देखते हैं ब्रिज आगे आ चुका है और ब्रिज के ऊपर आपको पता है कि मुझे जो ब्रिजेज़ हैं इधर नॉर्थ साइड के वो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और अभी ये जो इलाका हम क्रॉस करने लगे हैं इसको कहते हैं जी हिलमद, हिलमद है या हलमद है, हिलमद है शायद इसका एग्जैक्ट नेम। मे बी यहाँ मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तब मैं ज़्यादा देर के लिए स्टे करूँ, लाइक एक नाइट इधर मैं स्पेंड करके जाऊँ, क्योंकि इनकी भी जो तहजीब है वो देखने वाली है, जितनी भी इनकी सकाफत है वो हर चीज़
देखने वाले, जिस तरह हमने पुराने मशरती रूम के अंदर हम पढ़ते थे, सकाफतो तहजीब व तमदन, पता नहीं मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। सो इनकी भी मैंने काफ़ी सुन रखा है कि इनकी देखने के लायक है। अभी हम इधर इलाका तो वो क्रॉस कर आए हैं, बट अभी थोड़ी ही देर आके आएगी जी एक आर्मी का जो चौकी होती है वो एक आ जाएगी, उधर हम लोग रुक के अपनी जो शिनाख्त करवाएंगे और देन आगे मूव करेंगे। और इससे थोड़ा सा ही आगे रह गया जी अब ताओबट जो, और ये देखें ये क्या हरकतें करता जा रहा है हनान। तो अभी इसको जाने दें, अभी आगे ये आगे ही जाएँ ज़रा। अभी हम सुकून से आपके साथ बातें करते हुए जाते हैं और आपको मज़ीद बताते हुए जाते हैं, सीनरीज दिखाते हुए जाते हैं अच्छी अच्छी जो कि रस्ते के अंदर आ रही हैं जा रही हैं, और हम भी ट्रैवल करते ही जा रहे हैं। और आप भी हमें बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, और यार अपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये समझ रहे ये पहाड़ों के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जितनी मेहनत इन जगहों के ऊपर होती है ना, वीडियोग्राफी करने में, फोटोग्राफी करने में और ट्रैवल करते हुए, हर चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अभी तकरीबन 5:11 हो चुके हैं और अभी बस ताओबट की जो लास्ट यानी कि चेक पोस्ट थी पीछे आनी, वहाँ से हमने एंट्री करवा ली है, और मेरा ख्याल है कि आगे मैक्सिमम 10 मिनट का रह गया है। और ये हैं कुछ दरख्त, और वो देखें, ओए तुझे क्या हो गया, उठ जा उठ, वो नहीं सोया पड़ा है शायद। वो पीछे दोस्त पानी पी रहे हैं चश्मे का, और बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून माहौल है इधर यार, मस्ट विजिट है वाकई कश्मीर ना, मस्ट विजिट वाली जगह है, ज़रूर आप ना इसको विजिट करें। और ये क्या है, शार्प शूटर है, शार्प शूटर ही है, सुकून कर रहा है शार्प शूटर। पहाड़ी उधर बिल्कुल नहीं ऊपर चढ़ रही थी, और वो ये है स्टीप चढ़ाई। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है जी कैंप 2 से रिकॉर्डेड, और इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि इधर ऐसा जब हम चढ़ाई चढ़े होते हैं इधर वीडियो के अंदर भी इतना पता नहीं लग रहा कि हम कितनी वो स्टीप चढ़ाई थी, क्योंकि गाड़ी मैंने आपको नीचे खड़े होकर दिखाया था कि गाड़ी कितना यानी कि ऊपर उसका काला धुआं निकल रहा था, वो नई चढ़ाई चढ़ रही थी। बट अगेन वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती, अगर यानी कि कोई कैमरे का डिफरेंट एंगल शायद हम यूज़ करें तो शायद आपको ये पता चल सके कि कितनी कितनी चढ़ाइयाँ थी। जो आपने से लोग पहले इधर कश्मीर आ चुके हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि कैसे स्टीप चढ़ाइयाँ इस साइड के ऊपर, लेकिन अभी तक मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे तकरीबन 2 चढ़ाइयाँ थी और 1 उतराई थी, जिसके अंदर थोड़ा सा यानी कि सोच समझ के उतारनी पड़ी थी या चढ़ानी पड़ी थी भाई, बाकी जितने भी हैं वो नॉर्मल थी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बट अगेन 4x4 के इधर काम है, इससे आगे अगर आप छोटी गाड़ी लेके आएंगे तो जहरीली होंगे, जो अपने साथ बंदे होंगे उनको भी जहरीली करवाएँगे। तो फाइनली पहुंच गए हैं और अभी रूम देखने जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि क्या सीन है यार। ये तो उतारे कौन सा रूम, पंखा वगैरह कुछ नहीं है, पंखा यार गर्मी काफी लगी थी कल भी हमें यार। इधर जो सीन है ना, बाकी जितनी भी जगह हैं वो सारा ये सीन है, लकड़ी के सारे जो हैं वो छतें और फ्लोर हैं, दैट्स व्हाई ना काम बड़ा खराब होता है यार। लाइक यू कैन सी हर चीज लकड़ी की है, भाई साहब साल भाई ध्यान से अच्छा इसका किल निकला होगा। अभी यार एक तो पहले देख आए थे और वो हमने नहीं लिया, क्योंकि उसके अंदर एक ही रूम था, यार हमें 2 चाहिए। तो अभी एक जो है दूसरे वाला वो देखना है यार, ये अभी रूम देखने लगे हैं, ये लॉक वाले भी है। अच्छा आपके पंखा या किसी यार पंखा वगैरह क्यों नहीं, पंखे का ऑप्शन नहीं दे रखा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती यार, हमें गर्मी काफी लगती है हमें तो। अभी आती है अगर यहाँ पे भी शिफ्ट होते सबसे पहले नहाना है, हमने नहाना है कल भी, हमने आते ही ऐसे ही किया था ये सीन है सारा। और ये व्यू है इधर का भी, हम जी ताओबट और लिखा है डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, 5 बंदों से ज़्यादा नहीं क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ में चढ़ेगी तो ज़्यादा ही ज़्यादा था आखिरी बात। और ये है जी ताओबट और वो उस साइड के ऊपर है कश्मीर, इधर इंडियन आर्मी है
जो कि अभी आज़ाद नहीं है। यार अभी हमने इधर एक शॉट ले तो लिया है, थैंक्स फॉर दी आर्मी पर्सन जिन्होंने हमें लेने दिया है, बट वो कह रहे थे कि इधर आप बिल्कुल भी जो है आप शॉट नहीं ले सकते कोई किसी भी चीज़ का। सो अभी ताऊबर तो पहुंच गए थे और रूम भी ले लिया हुआ है, रूम भी अगेन लकड़ी ही वाला मिला है हमें, जिससे यार थोड़ा डर भी लगता है जब आप वॉक करते हैं ना इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा जिस तरह वो हॉरर मूवी कोई देखे ना उसके अंदर कोई सीन होता है उस टाइप की कुछ आवाज़ आती है, लाइक दिस वैसी कुछ आवाज़ आती है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया हुआ है। और जस्ट यह है कि अभी लेट हो गए थे, अभी खाने के ऑर्डर दिया है, खाना बन के आएगा और इसके साथ साथ हम नीचे कुछ मार्केट है वो विजिट करने जा रहे हैं, उसके बाद आके ये सीन करना है कि सोएंगे और सुबह को उठ के हम देन अगेन जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बाला, और ताऊबर बाला उसको कहते हैं, वो इससे ज़रा कोई 15-20 मिनट के फासले पर है अगर आप यानी कि बाइक पर या गाड़ी पर जाएं। गाड़ी इधर ऐसा 4x4 जा सकती है, दूसरी गाड़ी आप मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने रास्ते में आते हुए एक देखा था कि एक टूटी वाला आ तो गया ऊपर, पुराने मॉडल की क्रोला थी उसके पास, आ तो गया लेकिन वो बेचारा जरील हो रहा था, धक्के लगवाता हुआ लेके आ रहा था गाड़ी ऊपर। और ये है कि जो आपके साथ हैं उनका भी आप ख्याल नहीं फिर रख सकते, वो परेशान होंगे कि आप इस तरह यानी कि सारा सीन करेंगे। खाना शाना खा के तो वापस आ गए थे और अभी जस्ट तकरीबन 12 बज रहे हैं और अभी तक सोए नहीं। ये है जी बैग जो के कवर है बाइक का, उसके ऊपर डाल के आए कवर हम जाके, और एक दिन की सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, राम राम से उतरनी पड़ती है, और ये आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कैसी आवाज़ आती है। तो ये है इधर खड़े हैं जी बाइक्स और कवर है तो हम कवर डालते हैं, ये है जी बाइक। तो अभी जस्ट इसको ओपन करके हम इसके ऊपर डालते हैं और फिर जाके सो जाएंगे, क्योंकि लेट नाइट हो रहा है और सुबह उठ के हमने आके भी निकलना है ताऊबर बाला जाएंगे। आज के लिए इतना ही यार, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर देना है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर हम के ऊपर भी आपने ज़रूर करना है, आप परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ दिखाएँगे हम। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh,